गुड मॉर्निंग बच्चो गुड मॉर्निंग एवरी वन हाउ आर यू होप यू आर फाइन एंड वेल सो गाइज वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाई जन्मेश सर कैन सी रूबी गुड मॉर्निंग आरिफ गुड मॉर्निंग रीना वेरी गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों आपकी लाइव हो चुकी है सभी बच्चे फटाफट -फड़ क्लास में आ जाए और चलिए अपनी क्लास को बच्चों शुरू करते हैं तो आज का हमारा डेली वोकबरी सेशन सेशन 20 है इन दिस सेशन 20 वी आर गोइंग टू हैव द वर्ड्स सबसे पहले बच्चों कोटेशन लेते हैं कोटेशन ऑफ द डे सो दैट वी कुड बी एनर्जाइज्ड तो हमारी आज की कोटेशन है डू यू नो व्हाट माय फेवरेट पार्ट ऑफ द गेम इज ध्यान से देखेंगे डू यू नो व्हाट माय फेवरेट पार्ट ऑफ द गेम इज द अपॉर्चुनिटी टू प्ले समझ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात बच्चों हमारे पास ये कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है खेलने की तो ये सबसे बड़ा पार्ट और फेवरेट पार्ट है जी रीना ऑल राइट बच्चो सो so, इसी कोटेशन के साथ बच्चों अपने वर्क को शुरू करते हैं जी मनीष वेरी गुड मॉर्निंग पिंकी गुड मॉर्निंग रीना गुड मॉर्निंग आरिफ गुड मॉर्निंग तो बच्चों चलिए आज का पहला वर्ड लेते हैं हम ट्राई एंड लर्न ट्राई एंड लर्न में आपने वर्ड देखा था एबोरिजेंस क्या वर्ड है बच्चों हमारा एबोरिजेंस तो एबोरिजन सी इसका क्या मीन्स बनेगा आई थिंक ये वर्ड आपके सामने बनाया गया था कि नहीं चलो ठीक है एबोरिजेंस का मीन्स हम देखें तो बच्चों होता है नेटिव एक तरह से नेटिव वहीं का रहने वाला हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं हम वहां कहलाते हैं यानी अगर इस वर्ड को हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे एबोरिजेंस यानी कि द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री किसी कंट्री के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट होते हैं वो वहीं के क्या कहलाते हैं बच्चों एबोरिजन कहलाते हैं गेटिंग एवरी अच्छा कल का बियर आउट था हाँ ये कुछ मिस हो गया इधर उधर इसको चेक कर लेंगे रीना तो बच्चों बेसिकली क्या है इज द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री किसी कंट्री के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स गेटिंग एवरी अगला वर्ड हम देखेंगे एक्लिमिटाइज एक्मेटाइज का मतलब होता है टू एक्स्टम कस्टम वन सेल्फ टू अन क्लाइमेट मतलब सीधी सी बात देखो यहां पे क्या लगे क्लाइमेटाइज

तो बच्चों ध्यान से देखेंगे एक्लाइमेटाइज का मीन्स है तो टू एक्स्टम वन सेल्फ टू तो अ फॉरेन क्लाइमेट तो अगर हम यूएसए जाते तो ऑब्वियसली वहां की क्लाइमेट डिफरेंट होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट कर लें या उस पर्टिकुलर क्लाइमेट को एडॉप्ट कर लें तो यही क्या कहलाएगा एक्लिमेटाइज राइट बच्चों यानी अकॉर्डिंग टू तो द क्लाइमेट अपने आप को ढालना अगला हम लिखते हैं बच्चों एकम्प्लिश बनेगा एकम्प्लिश पी यहां पे और आएगा बीच में पी आएगा एकम्प्लिश कहते हैं इसको इसको हम क्या नाम देते हैं एकम्प्लिस तो एकम्प्लिस का मीन्स होता है बच्चों अ पार्टनर इन द क्राइम कैसे मतलब ऐसे समझो आप कि एक पर्सन दूसरे को गोली मारना चाहता है आपने उसे जाके बंदूक प्रोवाइड की तो बंदूक आपने या रिवॉल्वर प्रोवाइड कर दी उससे उसने गोली मार दी तो अब आपने मर्डर तो नहीं किया बट यू आर द द्लिस विद हिम यानी कि आप पार्टनर हैं उसके क्राइम में इसी को एकोम्पलिस कहा जाता है तो ध्यान से रखेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड है डर फियर किसी चीज का और एक्रो जब हम कहते हैं तो इसका मीन्स क्या है हाइट इसका मीन्स क्या है बच्चों हाइट से ऊंची जगहों से यानी अ मोर्बिड फियर मारने वाला डर ऑफ ग्रेट हाइट्स यानी अगर इस पर्सन को हम कुतुब मीनार पे चढ़ा दें तो उसकी डेथ हो सकती है इतना डर लगता है तो कुतुब मीनार क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है है ना उसमें उसकी डेथ हो सकती है जैसे वो नीचे देखेगा एकदम से उसकी डेथ हो जाएगी जी ठीक है निशी रीना अडेप्टिशन अच्छा ठीक है आप कह रहे हैं और बिल्कुल सही बात है जी दिव्या गुड मॉर्निंग तो बच्चों एक्रोफोबिया समझ में आया आपको ऊंची जगहों से डर ही एक्रोफोबिया कहलाता है अगला हम कहते हैं एफिडेविट ध्यान से देखो अगर हमारे फॉर्म में या फिर हमारे एग्जाम में कोई कमी रह जाती है और वहां पे पूछा जाता कि फटाफट उस सर्टिफिकेट को लेके आओ तो हम उसे क्या करते हैं अगर कर नहीं मिलता तो एफिडेविट दे देते हैं इसका मतलब क्या होता है अ डिक्लेरेशन मेड ऑन एन मतलब वहां आप शपथ लेते हैं कि जो मैं यहाँ पे कह रहा हूं वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा और वो बिल्कुल सही है ये एफिडेविट कहलाता है तो समझेंगे एफिडेविट का मीन से एक तरह से शपथ ही है करेक्ट बच्चों एफिडेविट आप तब बनाते हैं जब आपके पास और कोई चारा नहीं होता आप इसे बना के प्रोवाइड करते हैं फिर बाद में उस काम को करते हैं तो इट इज अ अटर्न डिक्लेरेशन मेड ऑन एन ऑथ अगला बच्चों देखते हैं एलिमनी एलिमनी बड़ा जबरदस्त है अली देखो अली ए एल आई एम ओ एन वाई अली को जो मनी देना पड़े अपनी वाइफ को अगर वो उसे तलाक लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं एलिमनी कहते हैं यानी कि अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड हस्बैंड से सेपरेट होने पे जो अलाउंस किसको मिलता है वाइफ को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं एलिमनी कहते हैं क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं इसको बिल्कुल तो एलिमनी को हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि आफ्टर लीगल सेपरेशन व हजबेंड टू हैज एन अलाउंस टू वाइफ दैट इज कोल्ड एलिमनी जी बच्चो ठीक है अगला वर्ड देखते हैं एम बी ये बच्चों आपने ऑलरेडी देखा हुआ वर्ड है एम का मीन्स होता है बच्चों दो से और डेक्स्टर डेक्स्टर का मीन्स होता है जो स्किल्ड हो यानी ऐसा पर्सन जो दो में स्किल्ड हो और दो का मीन्स यहाँ पे दोनों हाथों से वो एक काम को दोनों हाथों से बराबर ईज से कर सकते हो यानी कि वन हु कैन यूज ईदर ऑफ हिज हैंड्स विद ईज यानी आप लेफ्ट से चाय पी सकते हैं आप राइट से पी सकते हैं आप लेफ्ट हाथ से लिख सकते हैं राइट से भी लिख सकते हैं जैसे आपने वायरस को देखा था वायरस जो मूवी है हमारी थ्री इडियट्स में उसमें वायरस कैसा है एम्बीड एक्स्ट्रा से डन बच्चों अगला वर्ड देखते हैं एमेजन एमेजन का मीन्स होता है अटोल स्ट्रॉन्ग मेस्कुलाइन काइंड ऑफ वुमेन बेसिकली इसको कहते हैं लड़ाका इसको कहते हैं लड़ाका यानी कि एक ऐसी महिला जो लड़ने के लिए हर समय तैयार हो और जबरदस्त हो मतलब बॉडी से भी जबरदस्त हो और वो आपको पकड़ के नीचे गिरा ले उसे क्या कहेंगे आप अमेजन कहेंगे यानी कि हिंदी में कहते हैं महिला योद्धा महिला योद्धा तो हम इसे महिला योद्धा भी कहते हैं अमेजन जो आपका क्या है बेसिकली एक बाइंग से, सेलिंग साइट भी है तो उसी अमेजन के नाम पर है ये महिला योद्धा राइट बच्चों अगला वर्ड देखते हैं ऑल्ट्रस्ट ऑल्ट्रिस्ट का मीनस है लवर ऑफ अदर्स बेसिकली इसको हम कहते हैं परोपकारी यानी ऐसा पर्सन जो दूसरों पे परोपकार करता हो परोपकारी कहलाएगा जी सृष्टि वंडर कह सकते हैं बेलिकोज हाँ बेलिकोज अगर हम कहेंगे तो वो पर्सन बन जाएगा मेल बन जाएगा ठीक है रीना तो बच्चों एल्ट्रिस्ट क्या हुआ परोपकारी यानी कि वन हु इज लवर ऑफ अदर्स और सबसे बड़ी बात इसकी क्या होती है जो भी यह हेल्प करता है दूसरों की वो बच्चों सेल्फिस करता है ना कि सेल्फ uh, हो नहीं होता बल्कि कैसा होता है, हो करता है ये नहीं समझता कि मैं इसका ये काम करूंगा तो मुझे ये काम मिल जाएगा, या फिर मेरा ये ये काम कर देगा नहीं एल्ट्रोस्ट कैसा पर्सन होता है वो हमेशा दूसरे की हेल्प करता है एम्फीबियन देखो बच्चों एम्फी एम्फी का मीनस है दोनों अगर बीएन बीएन का मीन किससे बन जाएगा uh, मतलब जो दोनों में यानी कि कंडीशन ऑफ डिसऑर्डर एंड इन वॉटर नहीं 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 ये तो उल्टा सीधा लिखा गया है यानी कि एनिमल एनिमल विच लिव्स विच लिव्स बोथ इन ऑन लैंड एंड इन वॉटर इसको हम बच बच्चो कहते हैं उभेचर इसको हम क्या कहते हैं उभैचर मतलब कुछ होते हैं जो पानी में रहते हैं कहलाते हैं कुछ लैंड पे होते हैं है ना तो ये बेसिकली क्या है ये दोनों जगहों पे रहते हैं जैसे आप अगर टोटोइस को देखें तो कहां पे रहता है लैंड पे भी रह सकता है वाटर में भी रह सकता है बड़ी आसानी से तो इसको हम नाम क्या देंगे एम्फीबियन नाम देंगे तो एम्फीबियन बेसिकली है जो पानी और हाँ फ्रॉग भी ऐसा ही है बिल्कुल सही है सृष्टि फ्रॉग इज ऑल्सो लाइक दिस जी बच्चों बिल्कुल ठीक है अगला देखिए एबेटोय एबेटोयर का मीनस है स्लोटर हाउस स्लोटर बेसिकली किसके लिए होता है बच्चों एनिमल्स के लिए जहां पे गाय भैंस एक्सेट्रा या इन जानवरों को काटा जाता है है ना और काट के फिर उनको क्या किया जाता है सप्लाई किया जाता है जब फ्लैश या फिर अदर तरह से तो उसे एबेटोयर कहते हैं हम तो ये क्या कहलाता है स्लोटर हाउस यानी इसको कहते हैं हम कत्ल घर कत्ल खाना इसको बच्चों कहते हैं हिंदी में कत्ल खाना जैसे यूपी में अगर आप देखें तो योगी सरकार ने कत्लखाने को लगभग बंद कर दिया है या फिर लीगलाइज कर दिया है तो आजकल बहुत सारे जानवर आप देख सकते हैं सड़कों पे घूम रहे हैं है ना कत्लखाना बिल्कुल ठीक है अनु एग्जैक्टली अगला देखते हैं बच्चों एब्रप्ट एब्रप्ट का मीन्स होता है तेजी से बड़ी तेजी से जो हो एब्रप्ट जैसे आप फिसल जाए तो आप एब्रप्टली फिसलते हैं क्योंकि फिसलने में फिर आपका जोर नहीं चलता आप जहां तक जाते हैं बस फिसलते हुए जाते हैं यानी कि सडन यानी क्विक तो बड़ी तेजी से होना फटाफट होना सडन होना अचानक होना, कहलाएगा। करेक्ट बच्चों? अगला वर्ड देखते हैं का होता है भाग जाना यानी फ्ली करना करना, होना। आपने एक वर्ड पढ़ा था जिसको हम कहते हैं फ्यूजिटिव ध्यान से देखेंगे फुजितिव। फुजितिव कैसा होता है? इसको हम कहते हैं भगोड़ा बेसिकली क्या करता है किससे भागता है लो एंड ऑर्डर से भागता है मतलब इसे पुलिस पीछे पीछे रहती है आगे आगे रहता है भगोड़ा कहलाता है

अकॉर्डिंग टू अवर वर्चू तो वो क्या बन जाएगा ओनर बन जाएगा हमारे लिए क्या होगा बच्चों सम्मान होगा तो एक्ट बेसिकली होता है सम्मान करना ओनर देना एक्मे -E, ए सी का मीन है हाइएस्ट स्टेज या पिनेकल आप ये समझो जब आप बच्चों ऐसे वर्क करते हैं आप जम के तैयारी करते हैं जम के तैयारी करते हैं जम के तो एक जगह ऐसी आती है इसको पिनेकल कहते हैं मतलब यहाँ पे हाइएस्ट तैयारी आपकी है अगर आप यहाँ छोड़ देंगे तो फिर आप नीचे की तरफ जाएंगे अदरवाइज तो यहां करने के लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा तो ये बेसिकली हाइएस्ट स्टेज है पिनेकल है है ना इसी को हम नाम कहते हैं एक् में कहते हैं डन बच्चों जेनित बिल्कुल सही है सृष्टि हम इसे जेनित भी कहेंगे हम इसे क्या कहेंगे जेनित तो जेनित है पिनेकल है हाइएस्ट स्टेज है है ना और अगर नीचे की बात करें तो बच्चों इसको हम कहते हैं बोटम या हम इसको कहते हैं बड़ा अच्छा वर्ड है नादिर ये पीछे भी आपने पढ़ा है एन ए डी आई आर आप ऐसे कह लो नादिर शाह हमारा क्या ले गया था कोहिनूर हीरा इसी वजह से हम उसे बोटम पे रखते हैं तो बेसी बेस पे था बिल्कुल बेकार था ऐसे से याद रख लेंगे हाँ जी अपेक्स भी कहेंगे बिल्कुल ठीक है अपेक्स भी कह सकते हैं हम इसे अपेक्स भी कह सकते हैं तो पिनेकल हाइएस्ट से जैन अपेक्स एक है जबकि बच्चों बोटम या फिर नादिर एटसेट्रा एक, एक है अगले वर्ड पे आते हैं हम एक्यूमेन देखो एक्यूमेन का मीन्स क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया ब्रिलियंस या फिर इंसाइट ऐसा पर्सन जो इंसाइट को जानता हो ब्रिलियंस हो यानी कि उसमें काफी ज्यादा बुद्धि हो तो इसको हिंदी में कहेंगे बुद्धिमान क्या कहेंगे बच्चों बुद्धिमान मतलब ये चीजों को देख के समझ सकता है उनका आंसर दे सकता है बेहतर वर्क कर सकता है स्मार्ट वर्क कर सकता है सजेशियस एग्जैक्टली क्रिएटिव है हम इसे बच्चों देंगे बिल्कुल सही है तो ये पर्सन एक्यूमैन होता है डन बच्चों अब देखो अडेप्ट अडेप्ट का मीन्स होता है एडजस्ट करना एकोमोडेट करना मतलब कहने का यह है कि अगर हम अडेप्ट करते हैं जैसे अभी अभी आपने पीछे वर्ड देखा था बड़ा अच्छा वर्ड था शुरू में ये वाला जो वर्ड था बच्चों एक्लिमेटाइज यानी कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट करना तो यह भी वर्ड वहीं पे आता है और अगर मैं इस वर्ड को देखूं अडेप्ट को तो इसका मीन्स भी क्या होता है अडेप्ट का मीन्स बच्चों होता है मौसम के अकॉर्डिंग या जगह के अकॉर्डिंग अपने आप को अडोप्ट करना उसके अनुकूल बनाना तो एडेप्ट का है एडजस्ट करना यानी अनुकूल बनाना अनुकूल बनाना राइट right, बच्चों? तो बेसिकली इसको हम अनुकूल बनाने की बात कहेंगे जी प्रीति कितने हो सकते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस? काफी हो सकते हैं आपकी इस एग्जाम में कम से कम कम से कम पांच चार पांच छह क्वेश्चन तो आएंगे अगला देखेंगे बच्चों एडेयर एडेयर का मीन है एक तरह से किसी को अप करना स्टिक करना क्लिंग करना अगर मैं बताऊं एडेयर के साथ में तो इसके साथ में लगता है टू यानी कि अगर मैं कह दूं आई मस्ट आई मस्ट एडेयर टू माई प्रिंसिपल्स मुझे अपने प्रिंसिपल्स पे चिपके रहना है का मतलब उनको फॉलो अप करना है तो एडेर टू का मीन से बच्चों फॉलो अप करना है क्लिंग का मीन से चिपकना है। स्टिक का मीन से चिपकना है। होता है ना जैसे हम अपने आइडियाज को लेके या अपने पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को लेके उनसे चिपक जाते हैं और उनको कभी नहीं छोड़ते ये एडेर टू होता है बच्चों करेक्ट बात है और इसके साथ में जो प्रपोजिशन आता है वो टू आता है कई बार पूछा गया है एज एज ए ए फ्रेज ये अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला इसमें पॉइंट देखते हैं बच्चों अ अ बिग बिग शॉट शॉट जब हम कहते हैं तो इसका होता है इंपॉर्टेंट पर्सन एक ऐसा पर्सन जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो क्या कहलाएगा अ बिग शॉट डन एवरी वन जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो बिग शॉर्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है मोदी जी इज अ बिग शॉर्ट इंपोर्टेंट पर्सन है अगला हम देखेंगे अ तो दिमाग से तो अगर ब्लॉक है, है तो पर्सन कैसा होगा स्टूपिड कहते हैं ना इसका तो दिमाग ही बंद है बंद दिमाग का है तो बच्चों वो क्या है स्टूपिड पर्सन है तो ब्लॉक हेड का मीन क्या बना स्टूपिड जबकि ब्लू बुक जो होती है वो क्या होती है बेसिकली गवर्नमेंट बुक जिसमें गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड रखती है वो ब्लू बुक कहलाती है अगला हम देखते हैं अ चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल बच्चों का बेसिक है अ वेरी इजी थिंग जैसे कोई आपसे कहे जरा इस केक को काट के मुझे खिला दो तो आप फट से खिला दोगे क्यों क्योंकि आपके लिए बच्चों का खेल है लेकिन अगर वो बच्चों कहे आपसे कि इस पेड़ को ये जो बड़ा सा पेड़ खड़ा है इस पेड़ को काट के मुझे दे दो तो ये आपके लिए जी वर्क नहीं है ये चाइल्ड प्ले नहीं है तो आप इसे क्या कहेंगे ओ इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले ये मेरे बस का बात नहीं है ये बच्चों का खेल नहीं है और आप इसे छोड़ देंगे अ अ क्लीन क्लीन स्लेट स्लेट देखो बच्चों का है फ्रेश बिगनिंग मतलब कहने का है कि जैसे बच्चे का दिमाग होता है अगर आपने देखा हो बच्चे के को, को दिमाग को हम वर्ड देते हैं टेबुल रासा ये बहुत बार पूछा गया वर्ड है टेबुलारासा टेबुल रासा का मीन्स अगेन क्या होता है क्लीन स्लेट क्या होता है बच्चों क्लीन स्लेट यानी यहां पे जो हमारे थॉमस मोर थे उनका क्या कहना था थॉमस मोर का कहना था कि चाइल्ड का चाइल्ड एक जो बच्चा होता है माइंड ऑफ ए चाइल्ड इज अ टेबुला आसा यानी कि क्लीन स्लेट होता है इसका मतलब उसकी फ्रेश बिगनिंग होती है आप उसे जो भी पढ़ाएंगे वो पक्का हो जाएगा उसका तो ये क्लीन स्लेट पे पढ़ाना ज्यादा आसान होता है मेरी बात समझ रहे हैं जैसे आप ये देखो अगर एक बच्चे को पढ़ाए तो वो आसानी से समझ लेगा लेकिन जैसे आप लोग हैं ऑलरेडी समझे हुए हैं तो आपको समझाना बड़ा मुश्किल होता है उसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि आपका जो प्रिजुडिस है वो लगातार वर्क करता है बहुत सारे वर्ड्स उसमें ऑलरेडी हैं वो कॉन्ट्राडिक रहेंगे तब जाके आप कहीं समझते हैं जोन लॉक ओ यस ये जोन लॉक है मोर की बजाय ये टेबुलर आशा बच्चों दोबारा से वर्ड देखेंगे ये हमारा जोन लॉक का वर्ड है जोन लॉक एल ओ सी के तो जॉन लॉक ने वर्ड दिया था और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया मोर की बजाय किसने दिया था जॉन लॉक ने करेक्ट बच्चों जी बिल्कुल ठीक है अब हम कुछ फ्रेजेस करते हैं अ अ क्लोज क्लोज सेव सेव का होता है वेरी नैरो एस्केप यानी बाल बाल बचना बाल बाल बचना यानी कि बहुत ही नजदीकी से बचना ऐसे समझो कि गोली जो थी बिल्कुल एक इंच से आपके पास से निकल गई और आप यहां पे खड़े थे तो आपको क्या हुआ हम कहेंगे अ क्लोज सेव यानी कि क्लॉथ शेप का मीनस है बहुत ही क्लोद से उसकी सेव हुई है यानी कि उसको बचा लिया गया है तो हम इसे कहते हैं अ वेरी नैरो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अनु कह सकते हैं अब बच्चों आपका एक्टिविटी टाइम है और एक्टिविटी टाइम में हमारे लिए वर्ड है आज एनआर की बड़ा जबरदस्त वर्ड है बहुत बार पूछा गया है तो एनआर की इसी से जुड़े हुए वर्ड्स को देखेंगे कैओस क्या होता है इसी से जुड़े हुए वर्ड्स को देखेंगे एनआरकिल कंडीशन कैसे बनती है, है ना इसी से वर्ड देखेंगे एनार्किस्ट कौन होता है एनार्किस्ट राइट बच्चों तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको चेकआउट करने हैं और यहां पे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है ठीक है जी रीड के लिए ग्रामर कराया है वो इनफ है यूपी टी के लिए हाँ काफी हद तक प्रीति काफी हद तक वो पूरा है बस कुछ पॉइंट आपको उसमें जोड़ने पड़ेंगे कंप्लीट हम नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ग्रामर का काफी हद तक वो होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे जैसे साउंड की हम बात करें जेंडर की हम बात करें और बच्चों फोरन एक्सप्रेशन की बात करें ये सारी चीजें नहीं है यहाँ पे यूपीटी डी टी के एग्जाम में ये सब नहीं है ये वहां पर आपको नहीं कराई जाती बाकी और चीजें हैं जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच ये वहां भी हुए हैं और आपके यहाँ भी होंगे जी आर एफ थैंक यू तो ठीक है बच्चों आज की क्लास को यहीं पे ओवर कर लेते हैं थैंक यू सो तो मच फॉर बीइंग विद मी हैव अ ग्रेट डे लगातार अपने वर्क को इसी तो तरह तो से तो बच्चों तो करते तो रहें ईमानदारी से करते रहें